दौड़ते बादल उड़ना सिखाते हैं, और एक बार जो आपने उड़ना सीख लिया तो जमीन पर चलना तो हमें आता ही है। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, कैसे हैं आप सब? बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार स्वीकार करें। एक और नए शानदार दिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल से मौसम जो है रायपुर का, वो उसको पता नहीं क्या हो गया, क्या कौन सी बीमारी हो गई है। धूप निकलती तेज, बादल हो जाते हैं बहुत सारे, फिर उसके बाद मौसम ऐसा बदलता है, अचानक से तेज़ बारिश शुरू, फिर धूप। कल पापा बता रहे थे कि बागबाहर में भी ऐसा ही हुआ, और पापा अभी वहाँ पे आरती और वो सब इतना अच्छे से किए। मेरे पास क्लिप्स आई हैं पापा की कुछ, तो वो मैं यहाँ पे अटैच करूँगा, वो ज़रूर देखिए आप लोग। एक तो पापा आरती गाते हुए भी है, और दूसरा मेरे को बहुत फनी लगा वो पापा का डांस करते हुए भी एक क्लिप आया मेरे पास, जब विसर्जन के लिए जाते हैं ना वो, तो मैं वो यहाँ पे लगाता हूँ ताकि आप लोग भी देख सकें। और मैं निकल रहा हूँ अभी एक मीटिंग के लिए, ऑलरेडी थोड़ा सा लेट हूँ मैं मीटिंग के लिए, पर मैं सोचा कि आप लोगों को पहले खबर दे दी जाए, उसके बाद निकला जाए। तो मैं निकलता हूँ मीटिंग के लिए और वापस आके आप लोगों से मिलता हूँ। Came back to the office, बहुत ज़्यादा लंबी चल गई मीटिंग, और मीटिंग के बीच में एक्चुअली एक और मीटिंग हो गई, इसकी वजह से मीटिंग लंबी चल गई। और वापस जस्ट ऑफिस आया हूँ मैं, भूख लग गई थोड़ी थोड़ी, क्योंकि 2:30 बज गए, 2:45 बज गए इनफैक्ट, और मैं गया था तकरीबन 12:15 के आसपास, तो बहुत लंबी चल गई मीटिंग। बस अब चलते हैं ऑफिस, देखते हैं कुछ टिफ़िन ये लोग लाए होंगे, तो अभी क्योंकि कम लोग आ रहे हैं तो टिफ़िन वाला थोड़ा दिक्कत है, या तो फिर बाहर खाने चलते हैं। लेट्स सी, ये कारा जी आ गए नीचे खड़े हैं, और इसको मन हो रहा है मोमो मैजिक जाके थुपका पीने का, तो इसलिए नीचे खड़ा है, इंतज़ार कर रहा है विभा का जो यहाँ है, जो जा रही है शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि इसको अभी जाना है एक जगह हम लोग जा रहे हैं, वहाँ के लिए अलग से शॉपिंग करने जा रही है। लड़कियों के क्यों रहते इतने नखरे यार? बस रहते हैं। तो मयंक को ये रास्ते में ड्रॉप करेगी, और मयंक भाई साहब जो है वो थुपका पिएगा, चिकन पिएगा कि वेज कौन खाता है बोल रहा है, तू खाते हुए दिख बेटा मेरे को वेज। नवरात्रि खत्म हो गई। मेरा ड्रेस इसलिए चेंज हो गया क्योंकि अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं रिबाउंस, और रिबाउंस जो है वो एक नई जगह खुली है, पुनो वाला व्लॉग अगर आपने देखा हो, पुनो जैसी एक जगह खुली है, पुनो से बेटर जगह एक खुली है, क्योंकि पुनो में एक पार्ट था बस उसका, जो यहाँ पे चीज़ें हैं बहुत सारी एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, तो लेट्स सी कि कैसा रहता है एक्सपीरियंस। वो वीडियो अभी तक आपने देख लिया होगा, क्योंकि मैं प्लान कर रहा हूँ कि वो वीडियो पहले डाल दूँ, लेट्स सी वो वीडियो पहले डल पाता है नहीं डल पाता है, बट मैं कोशिश तो पूरी कर। हाँ, तो मैं कह रहा था कि लेट्स सी कैसा टर्नआउट होता है, वो वीडियो पहले आता है, ये वीडियो पहले आता है, अगर ये वीडियो पहले आ रहा है तो इसके जस्ट बाद आप देखोगे वो जो अपकमिंग वीडियो है, और बहुत एक्साइटेड हूँ मैं वहाँ जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर क्रिकेट भी है, तो और आप लोगों को पता ही है क्रिकेट से मेरा जो रिश्ता है वो किस प्रकार का है, तो मस्त मज़ा आने वाला है। गोयल का इंतज़ार कर रहे हैं, गोयल आएगा, जे को बुलाया हूँ मैं, जे आएंगे और बस उसके बाद जाएंगे। गोयल जी को जो है लेने जाना पड़ रहा है, क्योंकि वो कार में था और आंटी को भेज दिया वो, तो गोयल जी को लेने जाना पड़ रहा है, जल्दी से जाते हैं उसको लेके आते हैं, क्योंकि लेट हो गए हम ऑलरेडी, 3:30 बज गए हैं, उसको लेके आता हूँ तब तक जे भी आ जाएंगे, फिर निकल पाएंगे हम लोग फट से, चलते हैं। तो गोयल जी को तो लेके आ गए हम, गोयल जी काफ़ी समस्या हो रही थी पहुँचने में, मस्त पतला हुआ है भाई तू, वैसे कैमरा में देख के लग रहा है अलग से, और आज फिर गोली दे दिया तू, आज फिर गोली दे दिया। जे भी अपनी धर्म पत्नी के साथ खड़े हैं वहाँ पे, चलते हैं नीचे। दुग्गल साहब अभी इस वक्त नेताजी बने हुए हैं, एकदम नेताजी लग रहे हो पूरे, और दुग्गल साहब के बैक में कुछ इंजरी हमको पता नहीं था, दुग्गल साहब आजकल अकेले नहीं आते हमको पता चला है, दुग्गल साहब के साथ कौन दोगली और कोई नहीं बोलेगा तेरे को, बस जे ही बोलेंगे बस, तो ये लोग दोनों, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ वैसे कि आप ले आए फिर इसको, उन्हीं को पता है बस, अब तो पूरी दुनिया को पता चल गया। पहुंचे हैं रिबाउंस, और यहाँ पे ऐसी तेज पानी शुरू हुई है बारिश, इससे पहले उधर बारिश नहीं हो रही थी, यहाँ पे तेज बारिश हो रही है एकदम ही ज्यादा, तो लेट्स सी क्या होता है। से आना क्या व्लॉग में आएगा ये सोच
तो हम लोग ऐसे आ रहे हैं पानी में भीगते भागते एकदम, और चलते हैं वहाँ पे। जब तक हम लोग अंदर जाएंगे तब तक मयंक सारा जो भी अरेंजमेंट है वो कर लेगा। मैं बोल रहा हूँ ना, कल से यहाँ पे एकदम बिन मौसम बरसात वाला अलग ही मौसम चल रहा है। यहाँ धूप है और इधर तेज़ बारिश हो रही है। ये है रिबाउंस जो कि अभी तक आपने वीडियो देख लिया होगा, दिखाता हूँ आपको डिटेल में। मयंक है मेरे साथ में, और भी लोग हैं जिनसे आपको मिलाते हैं। ये पीछे भी अभी हल्ला आना था। ओवरऑल एक्सपीरियंस रिबाउंस का अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो बहुत मज़ेदार था। मतलब बस आपको समय लेके आना चाहिए यहाँ पे आप जब भी आ रहे हो, क्योंकि ये 2-3 घंटे के लिए नहीं, दिन भर का एक्टिविटी है यहाँ पे। तो बजे आए थे हम लोग, 4 बजे आए थे, 9:30 बज गया अभी। तो आपको पूरा समय लेके आना चाहिए अगर आप आ रहे हो यहाँ पे तो, अदरवाइज इट्स वेरी मच फन, बहुत मज़ेदार है। मेरा कैसा रहा एक्सपीरियंस? मतलब लेज़र टैग क्रिकेट और वो एक जो VR एक्सपीरियंस था, ये 3 चीज़ बहुत अच्छा था। बाकी ट्रैम्पोलिन, बाकी सारी चीज़ें भी बहुत फन है, बट अगर मैं बताऊं कि सबसे बेस्ट मुझे जो लगा तो ये 3 एक्सपीरियंसेस थे जो सबसे ज़्यादा फन लगे मुझे। वापस आ गए हम लोग रिबाउंड से और बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा। कैसा रहा तुम लोग का? और ये व्लॉग या तो आप ये पहले देख रहे हो या तो वो पहले देख चुके हो, जैसा भी है। ये लोग जा रहे हैं, पेट्रोल नहीं है, भूर भूर मत कर, बाय। तो बहुत ज़्यादा खेल कूद के आने के बाद थकान हो गई है लमसम, और थकान के साथ साथ मैं आ गया होटल मयूरा में। और क्यों आया हूँ ये कारण आपको दिखाता हूँ। हमारे बड़े भैया नंदे जी जो हैं, आशीष नंदे जी पधारे हैं रायपुर में। इनकी गाड़ी का जो हेडलाइट है उसमें, अबे तो रात को कैसे आया? अबे बहुत मुश्किल से आया हूँ, माँ का समझ में तो रात को चल ही नहीं रहा था साला। इसके हेडलाइट में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया है भैया जी की i20 जो है उसमें हेडलाइट में विजिबिलिटी लो हो गई है, तो कल वो ठीक करवाना है। कायदे से तो आज ही करवाना था बट थोड़ा लेट हो गया ये, तो अब कल करवाएंगे ठीक। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, कैसे हैं आप सब? बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, स्वीकार करें। एक और नए शानदार दिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चाय पी रहा हूँ मैं, चाय की चूस के लेते हुए, और ऑलरेडी लेट हो गया हूँ थोड़ा जाने में। कायदे से जाना तो मेरे को 8:30 बजे था बट 9:30 बज गया क्योंकि मैं रात को काफ़ी लेट हो गया था। जो इससे पहले आपने वीडियो देखा रिबाउंस वाला, वो वीडियो एडिट कर रहा था मैं, वो पूरा हुआ नहीं अभी। आज दिन में उसको वापस से एडिट करूँगा, इसलिए मैं टाइम लिया था कि वो ज़्यादा बेटर तरीके से एडिट कर पाऊँ, आप लोगों को देखने में मज़ा आए। और अभी जल्दी इसलिए भी जाना है क्योंकि रश्मि की कार जो है वापस घर ड्रॉप करनी है। इतने दिनों से ट्रैफिक की वजह से हम लोग कार को छोड़े नहीं थे, क्योंकि गुढ़ियारी में बहुत ज़्यादा, चाहे माता रानी का पर्व हो चाहे गणपति बिठाएं, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो इसलिए हमने ऑफिस में रखा था ताकि मीटिंग्स वीटिंग्स ये सब में ईजी पड़ जाता है थोड़ा। और पर्सनली तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो 2-व्हीलर है मैं, मुझे वो ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। कार में उतना मेरे को पर्सनली मज़ा नहीं आता। हाँ, कन्वीनियंस है, बारिश हो गई कुछ हो गया तो, और अभी जैसा मौसम चल रहा है रायपुर का पिछले कुछ दिनों से, तो बहुत ज़रूरी है कार, क्योंकि कहीं पे भी कभी भी बारिश हो जा रही है बिना बादल के, पता नहीं क्या वो बात है इसमें। तो बस चलते हैं, ऑफिस चलते हैं, कार ड्रॉप करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। नंदी जी की आज गाड़ी भी बनवानी तो उसमें भी जाना रहेगा, पहले ये करते हैं फिर ये करते हैं। रायपुर के बादलों को आज आपको देख के लग सकता है कि आप किसी हिल स्टेशन में, बट सॉरी आप रायपुर में ही हैं, अलग ही दिख रहे हैं आज बादल यहाँ। इससे पहले मैं नंदे जी को फ़ोन करता, बोलता कि कहाँ हैं आप, चलते हैं गाड़ी बनवाने। नंदे जी गाड़ी बनवाने जा चुके हैं, उसको मैं कॉल किया, वो तो कॉल भी नहीं किया। मैं कॉल किया, बोला कहाँ है भाई, तो बोलता है कि अरे मैं तो गाड़ी बनवा रहा हूँ, बनने वाली है। बोला गजब आदमी, बताया भी नहीं। तो सुबह सुबह मैं जल्दी आ गया था यहाँ, गाड़ी रख दी है, सारी चीज़ें हो गई। अब वापस जो है काम बहुत सारा था तो वो सारा काम चल रहा है। इसके बाद अभी मेरे को वापस नंदे जी से मिलने जाना है। आज से बहुत एक अच्छी चीज़ ये चालू हो रही है, अमिताभ बच्चन की जितनी पुरानी फिल्म्स हैं, PVR ने एक कैंपेन रन किया है जिसमें वो अमिताभ बच्चन की पुरानी फिल्म्स दिखा रहे हैं 10 दिनों के लिए, 10 या 5 दिनों के लिए। और उसमें बहुत अच्छी अच्छी लेजेंडरी फिल्म्स जो हैं वो आने वाली है। तो मैं तो कोशिश करूँगा कि सारी देखूँ बट वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि एक दिन में 2 फिल्म्स हैं और बैक टू बैक है। एक 3 बजे का शो है, दूसरा शो फिर उसके बाद सीधे 7, 7:30, 8 ऐसा है। रोज़ अलग अलग फिल्म है, टोटल 10 फिल्म्स है और 5 दिन का ही है मेरे ख्याल से फिर, क्योंकि एक दिन में 2 है बट आज एक ही शो है, 2 शोज़ नहीं है। तो मैं कोशिश तो करूँगा कि वो देख लूँ, क्योंकि बड़े पर्दे पे ये फिल्म्स हमने नहीं देखी हैं, तो क्योंकि हम छोटे थे, मतलब थे ही नहीं हम, तो छोटे क्या थे, पापा ने देखी। जैसे पापा कालिया फिल्म के बारे में बहुत बात करते हैं, तो वो सारी फिल्में जाके बड़े स्क्रीन पर देखने का एक अलग ही फील होगा। अमर अकबर एंथनी, कालिया, डॉन, फिर आपका अभिमान, कभी कभी, ये सारी फिल्में लग रही हैं, तो जाके देखना तो बनता है एक बार। अगर मैं जाऊंगा तो आप लोगों को तो पता चली जाएगा, बताऊंगा ही। भाई जितने लोगों को डोरेमोन दीदी का इंतजार था, डोरेमोन दीदी यहाँ हैं,
डोरेमोन दीदी आप बताओ कितने दिनों से आप क्यों नहीं आ रहे थे भाई? अपनी आवाज में बताओ, ये तो इंसानों की आवाज है। ये तो हिमांशी की आवाज है, हम डोरेमोन दीदी की आवाज सुनना चाहते हैं। मेरी एक महीने से तबीयत खराब थी और ये घर गई हुई थी तो ये इसलिए आ नहीं पा रही थी। अभी ठीक है? हाँ। पहले से बेटर है ना? हाँ। गुड। एग्जाम्स है अभी इसके, तो ये अभी आके एग्जाम्स दी। आज तो एकदम तो तैयार भी डोरेमोन टाइप की हुई है छोटे बच्चों के जैसे। तो नंदे जी गाड़ी बनवा के आ गए हैं, उनका कॉल आया तो नीचे इंतजार कर रहे हैं वो, इंतजार हमें नीचे। और मयन जो है उसका आज शूट है वेजीज में, तो बोल रहे कि वहाँ जाओ। और अंशु भी कुछ खाया नहीं शायद, तो हो सके तो नंदे को लेके चलते हैं अब वहीं और खिलाते हैं उसको वेजीज का खाना। नंदे जी को मैं साइकिल दिखा रहा हूँ कि क्या है कैसा है है ना? चलाएगा ना तो अलग ही स्वाद आएगा। मतलब तेरे को अगर तू 10 चलाना है तो तू 20 आराम से चला लेगा। ये जहरीला आइटम जो है ये लेके आया है, ये जहरीला है ना भाई, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये भी जहरीला होगा। वेजीज में शूट था इसका, तो मैं आज अंशु को बोला कि चल तेरे को भी दिखाते हैं। और ऐसा जहर खाना खिलाया है आज मयंक, बाकी दिन अच्छा खाना खिलाता है, आज एकदम जहर चाइनीज। क्या था वो आइटम? नॉर्मली तो नेचुरल्स आना हो नहीं पाता, आज नंदे जी के बदौलत हम पहुंच गए नेचुरल्स। इसको कुछ शेक पीने का मन था, मैं सीताफल पी रहा हूँ, भैया जी चीकू पी रहे। नंदे जी निकल गए इस तरह। सारा काम जो है अंशु मेरे से मिलने के पहले ही निकाल लिया था, तो मेरे को बस थोड़े से देर के लिए मिलने ही आया था। वो गए थोड़ा शेक वेक पिए साथ में और फिर वो निकल गया। तो ऐसे ठीक भी है क्योंकि मेरा भी काम उससे हैम्पर नहीं हुआ, तो वो खुद से समझ के ही ये चीज़ बोला कि आप तू भी अपना काम कर ले तो तेरे काम में भी दिक्कत नहीं होगा। जब से आया था अंशु, जब गया उसके बाद से, तब से लगातार काम वाम ही चल रहा था। कुछ चीज़ें पेंडिंग पड़ी हुई थी और कस्टमर केयर वेयर में बात करके सॉर्ट करनी थी चीज़ें, तो वही कर रहा था मैं। और वो चीज़ें जब सॉर्ट हुई तब फाइनली सारे लोग चले गए ऑफिस से, मैं ही बचा हूँ बस। रश्मि है तो हम सोच रहे दादू से मिले हुए टाइम हो गया, दादू से मिल लेते हैं जाके। बस कटरा तला भी जा रहे हैं, आप लोगों को भी लेके चलते हैं। तो दादू के यहाँ बहुत शानदार सूप पीने के बाद मैं निकल गया और मैं सोचा कि आज पैदल चला जाए थोड़ा, क्योंकि रायपुर में ऐसा हो ही नहीं पाता कि मैं थोड़ा पैदल चल पाऊँ। और उस दिन भी मैं सोच रहा था कि पैदल चलना चाहिए, तो मैंने बोला कि ये कब तक सोचते ही रहेंगे, तो आज मैं पैदल निकला फिर। और मैं बोला पैदल ही चलता हूँ, ऑफिस पहुँचते हैं पैदल पैदल, फिर मिलता हूँ आप लोगों से। वापस आके मस्त फ्रेश फ्रेश होके तैयार हो गया मैं, थोड़ा बहुत कुछ बना के खा भी लिया। और बस अब यहाँ नीचे सर नहीं आ गए तो उसी के पास आ रहा हूँ, कुछ आप लोगों को अपडेट दे दिया जाए। पैदल चलने बोलता है, मैं ऑलरेडी इतना पैदल चल गया हूँ, ठीक चल लेते हैं और थोड़ा सा। बड़े ज़माने बाद ऐसा हो रहा है कि तेलीबांधा तालाब में बैठ के रात के 12 बजे मस्त लेमन टी का आनंद लिया जा रहा है। मैं कई साल हो गए होंगे मेरे को लगता है, पहले ये जगह इतनी ज़्यादा हम लोग बैठा करते थे यहाँ पे। ये तो चला गया था दिल्ली, मैं जब जॉब में था 2015 में, डेली ऑफिस ख़त्म करके मैं, श्रीजन, जे, फिर उसके बाद जे के साथ रेगुलरली हम लोग बैठते थे, तब मैं, जे, गुरुजी, मतलब ये जगह बहुत सारी चीज़ों में ऐसे की फैक्टर रहा है। जब बैठ के मेजर डिस्कशंस हुए यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें हुई। अब तो काफ़ी कम हो गया यहाँ पे आना, बिकॉज टाइम ही नहीं मिल पाता उतना। नहीं तो ये जगह यहाँ पे बहुत पैदल चला हूँ मैं, और बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारी बातचीत, बहुत सारी यादें, बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई। तो बस अभी वही बैठ के हम लोग बातचीत ही कर रहे हैं। मैं तो काफ़ी पैदल चल लिया था ऑलरेडी, अभी भी चल ही रहा था, यही बोला कि बैठ जाते हैं तो चाय आ गए इतने में, तो चाय पी लेते हैं। जैसे ही 12 बजे उधर से एक आवाज़ आई, ये जो कार है यहाँ से एक आवाज़ आई, उधर आगे से एक आवाज़ आई, हैप्पी बर्थडे चालू हो गए सारे। आगे जाएंगे तो शायद ये बोल रहा है कि 3-4 तो और बर्थडे मिल ही जाएंगे। और एक्चुअली लोग यहाँ बर्थडे मनाने आते हैं, विच इज़ गुड, आना चाहिए। कहीं हम लोग तो नहीं कर पाते ऐसा, लोग ही करें कम से कम। सरनी महाराष्ट्र हो गए और अब मैं जा रहा हूँ वापस ऊपर ऑफिस। कल रविवार का दिन है तो आराम से सोऊंगा मस्त। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले किसी व्लॉग में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शबा खैर।